मोबाइल पर कुरान सुनकर तीसवा पारा किया हिफ्ज। 5 साला अब्दुल रहमान हाशमी का हैरत अंगेज कारनामा। आदाब, मैं जिशान शेख और लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के दौर में जहां लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, वहीं 5 साला अब्दुल रहमान ने मोबाइल का सबसे ज़्यादा सही इस्तेमाल करते हुए एक मिसाल पेश की। इस 5 साला मासूम बच्चे ने मोबाइल पर कुरान सुनकर तीसवा पारा और उसकी सारी सूरतें याद कर ली हैं। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शोएब हाशमी के साहबजादे हैं और ये खबर उन्होंने ही सोशल मीडिया पर दी और बहुत जल्द ये खुशगवार खबर लोगों तक पहुंची। मोबाइल के गलत इस्तेमाल के इस दौर में जहां लोग अपने बच्चों से बेहद परेशान रहते हैं, वहीं अब्दुल रहमान हाशमी ने मोबाइल का बिल्कुल सही और मुनासिब इस्तेमाल करते हुए एक अजीम मिसाल पेश की, जिससे उनके वालिद बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि दीगर बच्चों की तरह मोबाइल पर कार्टून और दूसरे फजूल वीडियो देखने का शौक अब्दुल रहमान में भी परवान चढ़ने लगा था, तो उन्होंने अपने बेटे को कुरान सुनने के लिए आमादा किया। धीरे धीरे उसे कुरान सुनने में बेहद दिलचस्पी होने लगी और छोटी छोटी आयत सुनाने लगा। हालांकि अभी उसे कुरान ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, मगर कुरान सुनकर उसने याद करना शुरू कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा आगे भी मजीद पारे और सूरतें याद कर लेगा। आज के इस तंग नज़र और मुश्किल दौर में अब्दुल रहमान हाशमी ने एक अजीम कारनामा पेश करके देश का ही नहीं बल्कि पूरी कौम का नाम रोशन कर दिया है। दूसरे वालदेन और बच्चों के लिए एक मिसाल और नसीहत पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, लंतरानी न्यूज़, मुंबई।